नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अकेडमी पर मैं मेरी टीम के साथ आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपनी अपनी तैयारियों यूं ही व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बढ़िए मेरे प्यारे दोस्तों आगे। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। MP360 चैनल पर हैं हम और यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं संस्कृत में शिक्षण विधियाँ, और शिक्षण विधियों में भी आधुनिक शिक्षण विधियों की चर्चा हमने करनी है दोस्तों। ये मेरी शैक्षणिक योग्यताएं हैं। मैंने BSc CBZ से किया हुआ है, मेरा MSc बॉटनी से, साथ ही मेरा MA हिंदी में है दोस्तों। मैंने BEd किया हुआ है, मुझे 7 सालों का ऑफलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है और अब तक इस अनुभव का तकरीबन 3,500 से अधिक लोग लाभ उठा चुके हैं। आप भी उठाइए और आगे बढ़ जाइए। ये हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं दोस्तों, है ना। लेट्स क्रैक MP एग्जाम्स अभियान और MP 360, जिस पर आप हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए इस क्लास को। चलिए दोस्तों, ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं जिसमें आप जुड़ सकते हैं आपकी बेहतर तैयारी के लिए। लेट्स क्रैक MP एग्जाम्स अभियान और MP 360 चैनल्स, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप भारत के सबसे बड़े, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अकेडमी के साथ अपनी तैयारी करके सिलेक्शन तक पहुंचना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करिए, अपना प्रोफाइल बनाइए और बेहतर तैयारी शुरू करिए। और अगर बेहतर तैयारी करते हुए सिलेक्शन तक जाना चाहते हैं आप, तो लीजिए सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आपको देगा डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और साथ ही अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा भी आपको प्रोवाइड कराता है। 2400 घंटे सप्ताह के 7 दिन आप अनअकैडमी पर बेहतर और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आप प्लस सब्सक्रिप्शन के आपको फायदे होते हैं। और लेते समय आप कोड डालिएगा AUP10, जो दिलाएगा आपको 10% का डिस्काउंट दोस्तों। यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, अनलिमिटेड PDF एंड नोट्स, और सभी आपके जो डाउट होते हैं वो टॉप मोस्ट एजुकेटर से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यकीन मानना है दोस्तों, अगर आप ले रहे हैं सब्सक्रिप्शन तो सब्सक्रिप्शन आपके सिलेक्शन की बेहतरी के लिए है। और सब्सक्रिप्शन 1 साल या 2 साल का लेने मेरे पहले दोस्तों, 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको वही 8,800 रुपये में मिल जाएगा और 2 साल का 12,800। पर आपके पास रेफरल कोड है, याद रख लीजिए AUP10, तो 10% का मिलेगा आपको डिस्काउंट। और यकीन मानकर चलिए, 1 साल का सब्सक्रिप्शन केवल और केवल 7,920 रुपये में और 2 साल का सब्सक्रिप्शन 11,520 रुपये का मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो ज़रूर लीजिए। ये मेरा ओवरऑल टाइम टेबल नोट करिए, ठीक है। तो आप दोपहर 12 बजे MPTT स्पेशल संस्कृत पैडागोजी पढ़ते हैं और शाम 7 बजे MPTT स्पेशल चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी, और प्रातः 10 बजे आप साइंस का टेस्ट लगा रहे हैं और साइंस 7 बजे MP स्पेशल MCQ। अब साइंस बहुत जल्द कन्वर्ट हो जाएगा हिस्ट्री में दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज साल का आखिर दिन है, लास्ट दिन पे हम पढ़ रहे हैं, तो वर्ष के अंतिम में है, कैलेंडर वर्ष बदल रहा है। तो आप सभी को नव कैलेंडर वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और संस्कृत की शिक्षण विधियों में आज मैं चर्चा करता हूँ आधुनिक या अभिनव विधियाँ जो होती हैं। तो सबसे पहली होती है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, निर्बाध विधि या डायरेक्ट मेथड। अंग्रेजी भाषा को विदेशी भाषा के रूप में सिखाने के लिए निर्बाध विधि ने बहुत समय पूर्व भंडारकर विधि तथा पाठ्य पुस्तक विधि का स्थान ले लिया। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपसे चर्चा किया था कि भंडारकर विधि या पाठ्य पुस्तक विधि, ये सभी के सभी जो है, चाहे वो एक जो है पुरातन शिक्षण विधियां हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो अभी नवीन शिक्षण विधियां आई हैं, इन नवीन शिक्षण विधियों में प्रत्यक्ष विधि महत्वपूर्ण विधि है। तो पाठ्य पुस्तक विधि का इसने लिया है स्थान। यह विधि वाइल्टर पेनफील्ड के मदर्स मेथड पर आधारित है। डॉक्टर राउज ने परसा स्कूल में इस विधि को लैटिन तथा ग्रीक सिखाने में प्रयुक्त किया। भारत में निर्बाध विधि को सर्वप्रथम अल्फिन स्टोन हाई स्कूल बम्बई में सर्वप्रथम प्रोफेसर बीपी बोकील ने संस्कृत शिक्षा में प्रयुक्त किया था। उन्होंने अपनी एक पुस्तक है, इसका नाम जरूर याद रखिए, अ न्यू अप्रोच टू संस्कृत, अ न्यू अप्रोच टू संस्कृत। ये प्रोफेसर हैं बीपी बकील। इन्होंने जो है अपनी पुस्तक अ न्यू अप्रोच टू संस्कृत में
प्रारंभिक अवस्था में निर्बाध विधि के परिष्कृत रूप अर्थात मौखिक विधि को उचित माना। निर्बाध विधि का ही एक परिष्कृत रूप है मौखिक विधि, इसको उचित माना था। इसके उद्देश्य क्या होंगे? अंग्रेजी मातृभाषा अंग्रेजी तथा किसी अन्य भाषा की सहायता से अथवा माध्यम के बिना ही संस्कृत शिक्षण किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेजी अथवा किसी अन्य भाषा की सहायता से अंग्रेजी के माध्यम के बिना ही दोस्तों संस्कृत शिक्षण करना चाहिए, इसके उद्देश्य। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट चर्चा करते हैं। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य है यह है कि छात्र पाठक जो है छात्र या पाठक को संस्कृत में ही सोचे, संस्कृत में ही उसकी थिंकिंग बन जाए, शब्द तथा उसके अर्थ का सीधा संबंध स्थापित करना, शब्द और उसके अर्थ का सीधा संबंध स्थापित करना इस विधि का प्रधान उद्देश्य है। जिस प्रकार छात्र मातृभाषा सीखता है उसी प्रकार स्वयं में तथा अनायास ही संस्कृत को भी ग्रहण करे। छात्र ज्ञानेंद्रियों द्वारा विशेषता कान जीव द्वारा भाषा को ग्रहण करे, मौखिक और श्रवण क्रियाओं नेत्रों की अपेक्षा अधिक प्रियल होती हैं, अधिक प्रबल होती हैं। ज्ञानेंद्रिया जैसे कि कान हो गए जीव ये भाषा को ग्रहण करें, मौखिक और श्रवण क्रियाएं नेत्रों की अपेक्षा अधिक प्रबल होती हैं। इसी नियम पर यह विधि आधारित होती है। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य संस्कृतमय वातावरण की रचना करना है। निर्वाद विधि का प्रमुख उद्देश्य हम पढ़ रहे थे और इसके लाभ क्या हो सकते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। यह विधि भाषा शिक्षण के मूल सिद्धांतों के अनुकूल है। किसी भी भाषा को उसी भाषा के माध्यम के द्वारा सीखा जा सकता है, ना कि अन्य भाषा के माध्यम से। निर्बाध विधि कहती है प्रत्यक्ष विधि के लाभ क्या है, यह विधि भाषा शिक्षण के मूल सिद्धांतों के अनुकूल है। किसी भी भाषा को उसी भाषा के माध्यम के द्वारा सीखा जा सकता है, ना कि अन्य भाषा के माध्यम से। संस्कृत सीखना है तो संस्कृत ही माध्यम चाहिए। संस्कृत शिक्षण के लिए यह विधि अत्यंत शीघ्र तथा सरल है। इस विधि में संस्कृत भाषा को सुनने तथा बोलने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाता है। इस विधि में पढ़ने से अधिक बोलने पर बल दिया जाता है, अतः छात्र संस्कृत के शुद्ध उच्चारण में अभ्यस्त हो जाता है। यह बोलने पर अधिक बल देती है तो प्रोनंसिएशन जो है वो अच्छा हो जाएगा। प्रत्यक्ष विधि छात्रों की अभिव्यक्ति का विकास करती है, छात्रों को एक्सप्रेशन जो होता है थ्रू आउट एक्सप्रेशन उसको एवेल्यूट कर देती है। इस विधि में शुद्ध रूप का बार बार अभ्यास करवाया जाता है। प्रत्यक्ष विधि में छात्रों की रुचि एवं योग्यता का ध्यान भी रखा जाता है। प्रत्यक्ष विधि में छात्रों की रुचि एवं योग्यता का ध्यान रखा जाता है। यह पद्धति तब सफल हो सकती है जबकि छात्रों को उस भाषा का कुछ प्रारंभिक ज्ञान हो। छात्र प्रारंभ में संस्कृत भाषा में विचारों की अभिव्यक्ति ही नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे? यह विधि सफल तब हो सकती है जब भाषा का कुछ प्रारंभिक ज्ञान हो। अब भाषा का कोई प्रारंभिक ज्ञान है नहीं, फिर क्या करेंगे आप? केवल थोड़े से ही शब्द ऐसे हैं जिनका सीधा संबंध अर्थों या वस्तुओं को जोड़ सकता है। ठीक है, जैसे अब आपको फोन का पता है तो आप जोड़ पाएंगे, अब जिसका अर्थ ही नहीं पता तो कैसे जोड़ पाएंगे? साधारण और मंद बुद्धि वाले छात्रों के लिए यह विधि उपयुक्त तो नहीं है। इससे केवल बुद्धिमान छात्र ही लाभान्वित होंगे, इस प्रत्यक्ष विधि की कमी है। जहां तक संस्कृत भाषा का संबंध है, इसे बोलना तथा लिखना तभी संभव है जब कोई व्याकरण का प्रारंभिक ज्ञान आपको हो, अन्यथा ना इसे आप बोल पाएंगे ना इसे आप लिख पाएंगे। अनुवाद प्रणाली से छात्र सरलता से सीख जाएंगे और संस्कृत की प्रकृति से भी परिचित होने में बाधा नहीं पड़ेगी। प्रत्यक्ष विधि से पढ़ने के लिए वर्तमान अध्यापकों को अलग हटाकर नए अध्यापक नियुक्त करने पड़ेंगे, जो असंभव नहीं तो कठिन कार्य अवश्य होता है। इतने टीचर्स कहाँ से लाएंगे आप? दूसरी विधि है संयुक्त विधि।
इस विधि का अन्य नाम है दोस्तों समाहार विधि। बुकिल इसे नवीन विधि, आप्टे इसे मनोवैज्ञानिक तथा विश्लेषणात्मक विधि भी कहते हैं। बुकिल ने इसे नवीन कहा तो आप्टे ने मनोवैज्ञानिक या विश्लेषणात्मक कहा। प्रोफेसर हुपरिकर ने अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ सिस्टमैटिक टीचिंग में, ये पुस्तक का नाम याद रखना, प्रोफेसर परिकर ने अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ संस्कृत टीचिंग में प्रत्येक विधि की उपेक्षा करने के बजाय समस्त विधियों के श्रेष्ठ गुणों को लेकर उनका संश्लेषण कर यथोचित वातावरण में उनका प्रयोग करने की बात कही गई। इसी संश्लेषणात्मक विधि का नाम इलेक्टिक मेथड रखा गया। ठीक, क्या क्या नाम हुए इसके? इसी का नाम मनोवैज्ञानिक विधि, इसी का नाम विश्लेषणात्मक विधि, इसी का नाम समाहार और इसी का नाम इलेक्टिक। सामान्य रूप से सभी विधियों के श्रेष्ठ गुणों एवं श्रेष्ठ बातों को लेकर उपयुक्त वातावरण में आवश्यकतानुरूप इन विधियों का प्रयोग करने का नाम ही संयुक्त विधि होता है। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा संस्कृत शिक्षण करना इसका उद्देश्य होता है। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा संस्कृत शिक्षण करना, संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्कृत शिक्षण करना, शब्दावली रचना, अनुवाद, व्याकरण, कविता, गद्य, उच्चारण तथा मौखिक कार्य आदि सभी पक्षों को सम्मिलित करते हुए संस्कृत का संपूर्ण ज्ञान प्रदान करना, ये संयुक्त विधि के उद्देश्य होते हैं। प्रस्तावना से लेकर गृह कार्य तक छात्र का उत्साह वर्धन करना, प्रस्तावना से लेकर के गृह कार्य तक छात्र का उत्साह वर्धन, ज्ञातांश को सुदृढ़ करने के लिए पुनरावृत्ति हेतु गृह कार्य देना, तुलनात्मक ज्ञान प्रदान करना, ये भी संयुक्त विधि का उद्देश्य होता है। कंपेयर करिए, कंपेरेटिव नॉलेज जरूरी है। संयुक्त विधि की प्रक्रिया, संश्लेषणात्मक विधि या संयुक्त विधि की प्रक्रिया या रूपरेखा निम्न है। मौखिक कार्य प्रारंभिक अवस्था में ही शुरू किया जाता है। भाषा शिक्षण मौखिक विधि द्वारा आरंभिक करने के शीघ्र पश्चात पाठ्य पुस्तक का परिचय कराया जाता है। भाषा के समस्त पक्षों का पाठ्य पुस्तक को ही केंद्र बनाया जाता है तथा इसी उद्देश्य के लिए पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण का प्रारंभ इस प्रकार होता है, प्राथमिक स्तर पर बहुत थोड़ा होना चाहिए, प्राइमरी लेवल पर, माध्यमिक स्तर पर मूल पाठ के रूप में इसका प्रयोग हो और उच्च माध्यमिक स्तर पर आगमन या निगमन विधियों द्वारा, आगमन तथा निगमन विधियों द्वारा इसका क्या किया जाए, प्रयोग, और उच्च स्तर पर व्याकरण की पुस्तक का गहन अध्ययन होना चाहिए। दोस्तों मैं आप सभी से आशा करता हूँ, इसी विश्वास के साथ, कि आपको क्लास बहुत पसंद आ रही होगी। तो जाते जाते आप इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए मेरे प्यारे दोस्तों अपने दोस्तों तक, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आपका अपना मित्र आनंद उपाध्याय आपके इस कार्य से आगे बढ़ेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। चलिए, आपको क्लास पसंद भी आ रही होगी दोस्तों, तो अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। व्याकरण और मूल पाठ के साथ साथ ही प्रसंगानुसार अनुवाद कार्य भी किया जा सकता है। इसको प्रसंगानुसार पढ़ेंगे अपन। प्रारंभिक स्तर पर रचना कार्य मौखिक रूप में कराया जाता है और उच्च स्तर पर लेखन द्वारा कराया जाता है। भाषा के प्रत्येक विषय को पढ़ाते हुए ऑडियो विजुअल जो सामग्री होती है, रिसोर्सेज, उनका उपयोग किया जाता है। कक्षा कार्य को समृद्ध बनाने के लिए पाठ्यांतर क्रियाओं को प्रचलित किया जाता है। जो कक्षा कार्य होता है उसको समृद्ध बनाना है तो पाठ्यांतर क्रियाओं को प्रचलित किया जाए। भाषा शिक्षण के साधारण सिद्धांतों के अनुसार ही श्रेणी कार्य किया जाता है। परीक्षण तथा मूल्यांकन के नवीन ढंग अपनाए जाते हैं। संरचनात्मक विधि, नियोजित कार्य तथा परिवर्तन तालिकाओं का प्रयोग इसमें किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संयुक्त विधि के क्या गुण होते हैं? नैतिक शिक्षा, मैं बार बार निवेदित करता हूं, ऐसी शिक्षा कोई काम की नहीं जिसमें नैतिक शिक्षा नहीं हो। शिक्षा, नैतिक शिक्षा का है ना बड़ा महत्व होता है जीवन में। नैतिक शिक्षा, चारित्रिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, गुरु शिक्षा संबंध,
ये गुण पाठशाला विधि से ग्रहण करने चाहिए। सबसे शानदार विधि होती है जहाँ गुरु सर्वोच्च होता है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात अपर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झनकार नहीं। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं। तो शिक्षा नैतिक होनी चाहिए। व्याकरण अनुवाद अभिनय पर्याय तुलना विग्रह व्युत्पत्ति विश्लेषण उपकरण प्रदर्शन आदि तत्व व्याकरणानुवाद विधि से ग्रहण करने चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में निर्धारित अभ्यास कार्य व्याकरण तत्व आदि पढ़ाने चाहिए। संस्कृतमय वातावरण, यथार्थ ज्ञान संपादन, व्यवहार कौशल, पठन लेखन भाषण में दक्षता, ये गुण प्रत्यक्ष विधि से ही लिए जाने चाहिए। नियोजित एवं संरचनात्मक विधि से शिक्षण करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आगमन और निगमन विधियों की चर्चा करते हैं। आगमन विधि क्या होती है? व्हाट इज इंडक्टिव मेथड? पहले उदाहरण प्रस्तुत कर उदाहरणों द्वारा नियमों का निर्धारण ही आगमन है। अर्थात छात्रों के समक्ष सबसे पहले बहुत से उदाहरणों, तत्वों एवं वस्तुओं का प्रदर्शन कर नियमों का निर्धारण करना ही आगमन विधि होता है। व्हाट इज इंडक्टिव मेथड? इस मेथड में पहले उदाहरण प्रस्तुत करें, उदाहरणों द्वारा नियमों का निर्धारण ही आगमन है। अर्थात छात्रों के समक्ष पहले बहुत से उदाहरणों, तत्वों एवं वस्तुओं का प्रदर्शन कर नियमों का निर्धारण करना ही आगमन विधि। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि से सभी भाषाओं के व्याकरण को मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाया जा सकता है। किसी भी भाषा को सिखाने की यह सर्वश्रेष्ठ विधि होती है क्योंकि इसमें आधुनिक शिक्षण विधियों को अपनाया जाता है। यह विधि बहुधा वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य में अपनाई जाती है क्योंकि व्याकरण भी भाषा का ही विज्ञान है। अतः व्याकरण संबंधी खोज में इस विधि का अनुकरण होना चाहिए। संक्षेप में आगमन से तात्पर्य यह है कि उदाहरणों और तत्वों से नियमों की ओर जाना। सबसे पहले उदाहरण, उदाहरण से कहा जाएंगे उदाहरणों और तत्वों से नियमों की ओर आगे बढ़िए। अर्थात इस प्रक्रिया का निरीक्षण करके किसी सिद्धांत का निष्कर्ष स्थापित करना आगमन का तात्पर्य होता है। पाणिनि ने वास्तव में आगमन विधि का अनुसरण किया। पाणिनि व्याकरण के, ठीक है, महान विद्वान व्यक्ति, व्याकरण के जनक, क्योंकि उन्होंने संस्कृत के समस्त भाषा संबंधी तत्वों का निरीक्षण किया है। पाणिनि का अष्टाध्यायी पढ़िए, क्या शानदार, तथा मौलिक सिद्धांतों की रचना की। अष्टाध्यायी पर टीका लिखते हुए पतंजलि ने निगमन विधि का अनुसरण किया है। जहां पाणिनि आगमन विधि से जब अष्टाध्यायी लिख रहे थे तो आगमन विधि, उसी पर जब टीका लिखी महर्षि पतंजलि ने तो निगमन विधि का अनुसरण किया। और सूत्रों को सउदाहरण, सुधारण, साधन, उदाहरण, सा और आ और उ मिलकर उ बने गुण स्वर संधि। आगमन विधि में उदाहरणों एवं दृष्टांतों को सुव्यवस्थित ढंग से क्रमानुसार प्रस्तुत किया जाता है ताकि उनका विश्लेषण कर किसी नियम पर पहुंचा जा सके। जैसे विद्याधन आलयः विद्यालयः, शशधन अंकः शशांकः, रामधन आज्ञा रामाज्ञा, विद्याधन, ये सभी दीर्घ स्वर संधि। अके सवर्णः दीर्घः, मैंने बताया था आपको, अके सवर्णः दीर्घः, हरिधन ईश हरीशः, ठीक है, इको यणचि, ये सूत्र आपको संधि की याद करने पड़ेंगे यहाँ, ठीक है। तो आप अगर सूत्र याद है अके सवर्णः दीर्घः इको यणचि, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको संस्कृत याद हो जाएगी, ठीक है, संधि भी समझ में आ जाएगी। इन सभी उदाहरणों एवं तत्वों का निरीक्षण करते समय विश्लेषण कर वर्गीकरण करते हुए आधारभूत नियमों की खोज छात्र करेगा, जो इस प्रकार होंगे कि अ और आ मिलकर के अ बनाता है, उ और उ बनाता है, ई और ई और रि मिलकर दीर्घ रि का निर्माण करते हैं। उपरोक्त निष्कर्षों का विश्लेषण कर सामान्यीकरण किया जा सकता है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ, यहां पर ह्रस्व में इस प्रकार का एक मात्रा आएगी, ह्रस्व
या दीर्घ स्वर के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो संधि होकर के यह दीर्घ स्वर हो जाता है। इस नियम को पाणिनी ने अपने सूत्र में बताया, अकहा सवर्ण दीर्घा अर्थात अ ई उ रि और लिरी लू लिखा गया, इसको लिरी पढ़िएगा, ठीक है, इसको लिरी पढ़िएगा। ये सभी के सभी दोस्तों क्या है, ह्रस्व स्वर है, ये ह्रस्व स्वर है, ठीक है, एकमात्र स्वर है। अक भी कहा जाता है, अक प्रत्याहार भी कहा जाता है, अक प्रत्याहार भी कहा जाता है के बाद समान स्वर रहने पर अक के स्थान पर क्या हो जाता है, दीर्घ एक आदेश हो जाता है। इस प्रकार आ और आ मिलकर के आ बन जाएगा, ये सीधी सी कहानी है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगमन विधि के सोपान, इसके चार सोपान है। सबसे पहले उदाहरण का प्रस्तुतीकरण शिक्षक छात्रों के सामने अर्थात एक जैसे कई उदाहरण प्रस्तुत करता है, छात्र ध्यान पूर्वक इन उदाहरणों को सुनते हैं, देखते हैं व पढ़ते हैं। निरीक्षण, प्रस्तुत उदाहरणों एवं तत्वों का तुलनात्मक निरीक्षण छात्रों द्वारा किया जाता है। छात्र इन प्रस्तुत तत्वों का गहन विश्लेषण करते हैं। नियम निर्धारण, उदाहरण एवं तत्वों का निरीक्षण करने के बाद छात्रों द्वारा नियमों की परिकल्पना की जाती है और सबसे अंत में परीक्षण होता है, निर्धारित नियम के लक्षण का पुनः परीक्षण इस सोपान में किया जाता है। आगमन पद्धति के गुण क्या है, छात्र सूत्र एवं सूत्र के अर्थ को स्वयं जानते हैं, सूत्र निर्माण एवं परिभाषा निर्माण स्वयं करते हैं, अतः बहुत समय तक विस्मरण नहीं होता, भूलता नहीं व्यक्ति। उदाहरणों को आधार बनाकर व्याकरण का अध्ययन चलता है। इस प्रकार से व्याकरण अध्ययन में छात्र अभिरुचि प्रस्तुत करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसके गुण क्या क्या है कि छात्र सूत्र एवं सूत्र के अर्थ को स्वयं जानते हैं, सूत्र निर्माण एवं परिभाषा निर्माण स्वयं करते हैं, अतः बहुत समय तक नहीं भूलते। उदाहरणों को आधार बनाकर व्याकरण का अध्ययन चलता है। इस प्रकार से व्याकरण अध्ययन में छात्र अभिरुचि प्रदर्शित करते हैं। संदर्भ के अनुसार व्याकरण पढ़ाई जाती है, पाठ्य पुस्तकों की सहायता से व्याकरण अध्ययन होता है, अतः छात्रों में डर नहीं रहता। व्याकरण अध्ययन के लिए एक सुलभ पद्धति है। लक्ष्य को प्रदर्शित कर लक्षण का विचार किया जाता है, अतः छात्र रुचि प्रदर्शित करते हैं। आगमन विधि के गुण होते हैं। आगमन पद्धति के गुण और देखिए, छात्र सक्रिय रहते हैं, यह पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि निम्न स्तर के लिए उपयोगी होती है। यह विधि कंठस्थीकरण पर बल नहीं देती। इस विधि से ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्रों का अध्ययन करवाया जाता है। जो ज्ञात नहीं है, जो ज्ञात है, जो जाना नहीं गया वह अज्ञात, वहां से वहां तक जाए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अधिक से कम की ओर शिक्षण सूत्रों का उपयोग अध्ययन कराया जाता है। इसके दोष देखते हैं, अध्यापकों के लिए कार्य एवं कष्ट बढ़ जाता है और शास्त्रगत उदाहरणों को जानने के लिए अधिक समय चाहिए होता है। अब डिडक्टिव मेथड की बात करते हैं, इंडक्टिव तो हो गई, डिडक्टिव की बात करते हैं। निगमन विधि में पहले नियम बता दिया जाता है, बाद में उदाहरणों द्वारा नियम की पुष्टि की जाती है, बाद में उस सिद्धांत का प्रयोग बताया जाता है। दूसरे शब्दों में निगमन विधि में सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं और आगमन विधि के लिए निगमन विधि पूरक विधि होती है। इन दोनों विधियों के बीच कोई विरोध नहीं होता। आगमन और निगमन विधि की चर्चा कर रहे थे हम। निगमन विधि में सबसे पहले नियम बता दिया जाता है, बाद में उदाहरणों द्वारा नियम को पुष्ट किया जाता है। इस विधि में सिद्धांत या परिभाषाओं को पहले बता दिया जाता है, बाद में उस सिद्धांत का प्रयोग बताया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें, निगमन विधि में सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं और आगमन विधि बिल्कुल एक दूसरे की पूरक होती है और इन दोनों विधियों में के बीच कोई विरोध नहीं होता है। ये आगमन और निगमन विधि, निगमन विधि को आगे जानते हैं। निगमन विधि सूत्रों पर आश्रित एवं आधारित रहती है। सूत्र कौन से, सामान्य से विशेष की ओर, ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, काल्पनिकता से सत्य की ओर और स्थूल से होता है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखिए, यह स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है, ये जो है आधारित होते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट चलते हैं। निगमन विधि के क्या क्या सोपान होते हैं? नियम छात्रों के सामने किसी नियम को रखा जाता है। नियम क्या होता है? छात्रों के सामने किसी नियम को रखा जाता है। स्पष्टीकरण, इस सोपान में उक्त नियम का सरल वाक्यों में स्पष्टीकरण किया जाता है, प्रयोग प्रदर्शन। इस सोपान में उदाहरण द्वारा नियम का स्पष्टीकरण भी किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए निगमन विधि के ये होते हैं सोपान। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे यदि धन अपि बराबर क्या होता है? यद्यपि। यदि धन अपि बराबर क्या होता है दोस्तों? यद्यपि। यहां ई के बाद असमान स्वर आया आ, और ई को कहें तो ई का जो है यण सर संधि के कारण ई का क्या हो गया? या हो गया है। ई का क्या हो जाता है? या हो जाता है दोस्तों, ध्यान रखिए ई का क्या हो जाता है? या। यदि धन अपि बराबर क्या हो जाएगा? यद्यपि हो जाएगा। फिर बात करते हैं पुनर्निरीक्षण की, बात करते हैं सोपान में अलग अलग उदाहरणों द्वारा नियम का पुनः परीक्षण कराया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। चलिए निगमन पद्धति के गुण, निगमन पद्धति के गुणों की करते हैं अपन चर्चा। इस विधि के द्वारा व्याकरण को स्पष्ट कर पढ़ाया जा सकता है। इस विधि के द्वारा व्याकरण को स्पष्ट कर पढ़ाया जा सकता है। छात्र इस पद्धति के द्वारा व्याकरण नियमों को जानकर सही एवं गलत शब्दों का निर्णय करने में सक्षम होते हैं। संस्कृत भाषा का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह विधि आवश्यक होती है। अध्यापक का कार्य सरल हो जाता है। छात्र रहते हैं निष्क्रिय और कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। स्मरण शक्ति का भी होता है विकास, क्योंकि छात्र नियमों को करते हैं कंठस्थ। उच्च स्तर हेतु उपयोगी है, परंतु निम्न स्तर हेतु उतनी यह उपयोगी नहीं होती। निगमन पद्धति के दोष क्या हैं? यह पूर्णता अमनोवैज्ञानिक पद्धति है, पूर्णता अमनोवैज्ञानिक पद्धति है। इस पद्धति में संज्ञा परिभाषा सूत्र अधिक होते हैं, अतः इन सभी को कंठस्थ करना याद करना कठिन हो जाता है। इस पद्धति में छात्र व्याकरण पढ़ने में रुचि नहीं दिखाते। व्याकरण अध्ययन में छात्रों को बहुत अधिक कष्ट होता है, और यह एक नीरस विधि होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा यह होती है एक नीरस विधि। आगमन एवं निगमन विधियां, ये दोनों विधियां सामान्यतः परस्पर विरोधी विधियां होती, परस्पर विरोधी विधियां होती हैं। एक दूसरे की कमी को कर सकती है पूरा। आगमन विधि में नियम का निर्धारण करने के बाद परीक्षण सोपान में निगमन विधि का अनुसरण किया जाता है। विशेष की बात करें, व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि आगमन निगमन विधि को कहते हैं। यदि परीक्षा में उत्तर में अलग अलग नाम आते हैं, तो आगमन विधि को आपको श्रेष्ठ मानना है। व्याकरण शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि होती है, उसको आगमन निगमन, और दोनों साथ साथ में आ जाएं, तो आप किसको मानेंगे? आगमन विधि को ही श्रेष्ठ मानिए। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, कल आगे चर्चा करते हैं संस्कृत शिक्षण विधियों के लिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो जाते जाते इस क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करना ना भूलिए, और ध्यान रखिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेना चाहते आप सब्सक्रिप्शन तो डालिए कोड AUP10, जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो आप सभी इष्ट मित्रों से मैं आनंद महेश प्रसाद उपाध्याय एक बार पुनः विदा लेता हूँ, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी तैयारियों में यूं ही व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए आगे, आते रहिए अनअकैडमी पर बेहतर तैयारी करने के लिए। पुनः चर्चा करते, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम मेरे प्यारे दोस्तों।